गाइस, वेलकम बैक टू ब्लेसिंग्स टैरो। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल, हेल्दी, हैप्पी, सेफ एंड साउंड माय लव्स। आज की रीडिंग का टॉपिक है वांट्स टू मैरी यू। कौन आपसे शादी करना चाहता है, कौन आपको पसंद करता है, शादी के लिए आपसे प्यार करता है, वट एवर। सो आपके ग्रुप हैं, यहाँ पर ग्रुप वन एंड ग्रुप टू ने आपकी बर्थ डेट्स हैं, या बर्थ डेट्स हैं, मैं करीब करके दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर वन ये वाली डेट्स हैं एंड ग्रुप नंबर टू ये वाली डेट्स हैं। तो अगर आपको इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना है तो चूज़ भी बाय कलर। पाइल वन पीच पाइल है, पाइल टू पिंक पाइल है, ठीक है, चूज अकॉर्डिंगली। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर वन, ये वाले आपके बर्थ डेट्स हैं। आइए देखते हैं कौन आपसे करना चाहता है शादी। ओके, हु वॉन्ट्स टू मैरी यू। सो लेट मी चेक आउट कौन है ये। ड्रीमर जीरो नंबर, ओके गो। 15 नंबर किंग ऑफ एयर, कौन आपसे शादी करना चाहता है। 5 ऑफ एयर, हु वांट्स टू मैरी यू। 9 ऑफ वाटर, पेज ऑफ वाटर, एट ऑफ वाटर, पाइल नंबर वन यूज, यहाँ पे वाटर साइन है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। अभी मैं डाइस से आपको मज़ीद भी क्लियर कर देती हूँ इफ़ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन स्पेसिफिक जोडियक साइन उनका। बट यहाँ पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत हाई एनर्जी है और एयर एनर्जी है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वारियस, ठीक है। तो आई कैन सी विद अ ड्रीमर एंड द ईगो, एक तो सेम, मतलब दोनों कार्ड्स में सेम ही शक्ल है। आई कैन सी कि हियर ये पर्सन आपसे फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ड्रीमर एंड ईगो, ओके। वो ये अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है आपसे, आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहा। और सम हाउ आई थिंक हो सकता है ये भी एक रीज़न हो कि उनको अपना करियर पे फ़िलहाल फोकस है, ठीक है। लेकिन ये जो करियर पे फोकस है उसके सबसे मेन रीज़न यही है कि दे वांट टू गेट मैरिड, और उसके लिए उनके पास इतनी ज़्यादा पैसे अभी करंटली फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। एक तो ये भी सी रीज़न हो सकती है। दूसरा, मैं ऐसे देख रही हूँ कि यहाँ पर उनको आपकी, आपको ले करके कुछ फियर्स हैं, कुछ डाउट्स हैं, बिकॉज़ वो चार पर्सन समझता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, या उनको डाउट, उनको सॉरी वो नहीं है, ट्रस्ट नहीं है अपने ऊपर या आपके ऊपर कि किसी भी तरह से यस हो सकता है। वजह कोई भी हो सकती है इस ना की। एक तो यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी मुझे नज़र आ रही है, दूसरा मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि 5 ऑफ एयर, हो सकता है आप लोगों का पीछे पास्ट में ब्रेकअप बड़ा बुरा हुआ था जिसमें सरासर गलती उनकी थी, ठीक है, गलती उनकी थी। किंग ऑफ एयर, आप तो उस चीज़ की अमेंडमेंट करना चाहते हैं, अब वो वापस से आना चाहते हैं, ठीक ठीक गाइस। सबके साथ ये जो है डिटेल्स ऑफ कोर्स नहीं मिल सकती, तो वही ले आप जो आपके साथ रेजोनेट होता है, ठीक है। तो ऐसे लग रहा है मुझे कि किंग ऑफ एयर भी इंसान पहले इतना कॉन्फिडेंट नहीं था जब वो गया था, वो डरता था, मे बी फैमिली से कोई प्रेशर था। लेकिन अब ये पर्सन अपनी दिल की बात समझ चुका हुआ है, अब ये इंसान आगे आना चाहता है, ठीक है। अब ये इंसान लीड लेना चाहता है, अपनी ज़िंदगी को अपनी तरह से जीना चाहता है, ठीक है। 8 ऑफ वाटर एंड 9 ऑफ वाटर,
आई थिंक ये इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है अभी, ठीक है, और ये अपने ज़िंदगी में अब मज़ीद मीनिंगफुल चीज़ें चाहते हैं, ये फजूल चीज़ों से दूर भाग रहे हैं। ये भी हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये बंदा या बंदी आपको छोड़ के गए थे, या ना हो उनको रियलाइज़ हुआ है कि मेरा 110% ये गलत डिसीजन था, मुझे ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, और अब मुझे वो चाहिए जो मैं चाहता हूँ, और मुझे वो चाहिए जो मेरे लिए मीनिंगफुल है, जो मेरे लिए मेरी इमोशनल ग्रोथ के लिए ठीक है। ठीक है, तो पेज ऑफ वाटर के साथ दिस इज़ अ न्यू प्रपोजल फॉर यू फ्रॉम दिस पर्सन। अगर आपका कोई एक्स नहीं रहा और ये आपसे डिटेल मैच नहीं कर रही, तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू से कि दिस इज़ समबडी न्यू, लेकिन ये भी हिडन है, आप इनको आई थिंक अभी तक नहीं फिगर आउट कर पाए हो कि ये कौन है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि इसको आपने कभी ड्रीम्स में देखा हो, क्योंकि यहाँ पे साइकिक इंसाइट्स हैं, मे बी यू सॉ देम इन द ड्रीम। ओके, बट नाइन ऑफ वाटर ये कहता है कि ये पर्सन आपकी विश कम ट्रू है। ये इंसान आपको जब मिलेगा आपको पता चलेगा कि यही तो मैं चाहती थी, यही तो मैं चाहता था, पूरा ये आपकी लव लाइफ जो है ना बदल के रख देगा। आई कैन सी हियर कि यूनिवर्स किसी को आपकी तरफ गाइड कर रही है एट ऑफ वाटर के साथ। समबडी न्यू इज़ एंटरिंग इन टू योर लाइफ, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, पास्ट भी पर्सन अगर आया तो भी नई एनर्जी से आएगा, पाल नंबर वन। ओके, पास्ट पर्सन पास्ट एनर्जी से नहीं आएगा, और आप उसमें बहुत बड़ा एक बदलाव आप देखोगे कि ये तो वो पर्सन अब नहीं रहा, चेंज हो गया है। ठीक है, सो लेट मी सी व्हाट डिटेल्स अबाउट योर प्रोफाइल। कौन है ये? 10 ऑफ वाटर। गाइस, किसी एक के लिए ये एनर्जी हो सकती है कि ये पर्सन आपकी फैमिली में है, रिलेटिव है। ठीक है, गाइस, ये इंसान वो है जो आपसे शादी करना चाहता है, जो प्रपोजल भेज रहा है। ठीक है, नॉट नेसेसरीली इसके साथ आपकी शादी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप इसका प्रपोजल एक्सेप्ट करते हो नहीं करते हो या क्या होता है। द रीडिंग इज़ अबाउट कि कौन चाहता है कौन आपसे शादी करना। तो आई कैन सी है यहाँ पे कोई फैमिली वाइब है, या आपकी फैमिली इनकी फैमिली को बड़ा पुराना जानती है, 10 ऑफ वाटर है, तो दिस इज़ क्वाइट ट्रस्ट वर्दी पीपल, ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप। और आई कैन ऑल्सो सी कि आपकी इमोशनल और मटेरियल नीड्स जो दोनों हैं वो यहाँ पर वो पूरी करना चाहता है। वो चाहता है आपके साथ पूरा परिवार बनाना और आपको वो तमाम खुशियाँ देना जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, क्योंकि आई थिंक आपने काफ़ी परेशानियाँ उठाई हैं पास्ट में, और ये इंसान कहीं ना कहीं सीक्रेटली आपको देख रहा था, वो रोते धोते परेशानियाँ उठाते, और ये इंसान ना हो, ही रियली वॉन्ट्स टू कम फॉरवर्ड एंड मेक अमेंडमेंट्स फॉर यू। ओके, ओ माई गॉड, 10 ऑफ अर्थ, देखो 10 ऑफ कप्स भी आए हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी। ओ माई गॉड, ये इंसान आपको सब कुछ देना चाहता है अपना, इवन यहाँ 10 ऑफ वाटर तो सिर्फ प्यार मोहब्बत की हद तक ही था, 10 ऑफ अर्थ में तो अब पैसा भी शामिल हो गया, फाइनेंस भी शामिल हो गया। आपको इंसान फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना चाहता है, ये इंसान अपने आप को पहली बात है इस काबिल बना रहा है कि आपके ऊपर जो है आपके स्टेटस के मुताबिक पूरा उतर सके। ठीक है, दूसरी ये चीज़ है, ये इंसान आपसे बच्चे पैदा करना चाहता है, ही वॉन्ट्स बिग बिग फैमिली फ्रॉम यू। ओके, सो 6 ऑफ अर्थ, अगेन यहाँ पर मनी मैटर्स आ रहे हैं गाइस। दिस पर्सन इज़ लिटरली फोकसिंग ऑन अर्निंग मनी, एंड ये इंसान एक तो करियर पे फोकस बहुत ज़्यादा है, अर्निंग पे आजकल फोकस बहुत ज़्यादा है, और आई कैन सी के बहुत ज़्यादा गाइस यहाँ पर ना मैं आपको बताऊँ, ये इंसान आपके करियर के फील्ड में भी हो सकता है, जहाँ जॉब पे जाते हो ना, या तो रास्ते में कोई आपको देखता है पसंद करता है, या वहाँ जहाँ काम करती हो वहाँ पर ये बंदा वहाँ के फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो सकता है उस कंपनी के, लाइक अकाउंटेंट्स या कैशियर या कोई इस तरह का ना, पैसे को डील करते हैं वहाँ के।
लेट्स सी मोर डिटेल्स. कौन आपसे चाहती स्ट्रेंथ? गाइस आई थिंक कि आपको थोड़ी स्ट्रेंथ का मुजाहिरा करना चाहिए. आर्कएंजल एरियल है यहाँ पे. शी इज़ लिटरली आस्किंग यू के जजमेंट्स को अपने आप से रिलीज द हार्श जजमेंट्स अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स. फॉरगिवनेस का कार्ड है. माफ़ कर दो. बी कंपैशनेट. बी लविंग. ओके. कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की. कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा मुंह बनाने की या पास्ट को लेकर के उस बंदे को बार बार पिंच करने की कि तुम फलां, तुमने फलां टाइम ऐसा फलां किया था, मुझे छोड़ गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था. ना, आई डोंट वांट टू मूव ऑन. मैं तुम्हें पसंद, मैं नहीं खेलना चाहती. ठीक है, अगर इफ़ यू डोंट वांट, इट्स ऑल राइट, इट्स योर यू नो दिस योर डिसीजन. लेकिन उसको पिंच मत करें आप, क्योंकि ऑलरेडी बहुत परेशान है इंसान. ठीक है, यूनिवर्स भी आपको यही चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, चाहे इसके साथ चाहे इसके बगैर, लेकिन स्टक नहीं रहो. ठीक है, थ्री ऑफ वाटर. ओ माई गॉड, आई एम सीइंग अ वेडिंग हियर. गाइस ये इंसान पूरी फ्लैज फुल फ्लैज तैयारी कर रहा है शादी की. ठीक है, एंड दिस इज़ अ बिग अनाउंसमेंट. दिस इज़ अ सेलिब्रेशन वेडिंग. यहाँ पे कोई ग्रेजुएशन की है. आई थिंक आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी में भी कोई आपको प्रपोज कर सकता है. किसी एक के लिए स्पेसिफिक मैसेज है. या आपने फिरोज़ा कलर के कपड़े पहने हैं, फिरोजी कलर के, तो या आई थिंक नेवी ब्लू. तो लेट्स सी, हो सकता है आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लें. किंग ऑफ फायर. वाओ गाइस, ये पर्सन गुड लुकिंग है. इनकी हाइट लंबी है, इनकी बॉडी काफ़ी भरी भरी है. अब ठीक है, एम्बिशियस है ये पर्सन. इनमें बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है, बहुत ज़्यादा क्रिज़मेटिक पर्सनालिटी है ये. ठीक है, और इनका एक विजन है, ये एक लीडर बनना चाहते हैं ज़िंदगी में. काफ़ी करियर है भाई, ओरिएंटेड. वाह, सेवन ऑफ फायर. सेल्फ डिफेंस है यहाँ. आई थिंक गाइज, आई डोंट नो वाई इस पर्सन थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में है. या तो ये अपने कार्मिक से भाग रहा है, अपने एक्स से भाग रहा है, अपने करंट पार्टनर से भी हो सकता है भाग रहा है, और ये आपकी तरफ आना चाहता है किसी एक चीज़ को छोड़ कर. बिकॉज ये पर्सन बहुत तंग आ चुका है टॉक्सिसिटी से. ठीक है, तो आई डोंट नो वाई, लेकिन ये पर्सन अब आपको प्रपोजल देना चाहता है. नेक्स्ट. ओके, थ्री ऑफ फायर. आई थिंक गाइस कि ये इंसान ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग बना रहा है. दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लानर. ये इतनी जल्दी हो सकता है आपके सामने नहीं आए, ये छुपा हुआ है. ठीक है, इसके पीछे मुझे एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग लग रही है. मतलब जैसे आप खुद देखो ना, मतलब वो एक पूरा स्केलेटन, पूरा ढांचा तैयार कर रहा है जस्ट टू मेक यू इन. पहले वो ये जानने की उन्होंने आपसे कोशिश की आपको क्या क्या पसंद है, और समहाउ उनको ऐसे लगा है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, वरना चांस नहीं है मेरा, ऐसा वो सोचते हैं. ठीक है, बात ये गलत हो सकती है, लेकिन उनके माइंड में चल रही है. तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग बना रहे हैं, किस तरह से आपको कन्विंस किया जाए, किस तरह से आपको ट्रैप किया जाए. नॉट रियली ट्रैप, ट्रैप थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, लेकिन इंसान आपको पाना चाहता है. पागल हो गया आपके पीछे बिल्कुल. क्वीन ऑफ अर्थ अगेन गाइस, बात वही थॉटफुल, क्रिएटिव, बीइंग मदरली नेचर. लाइक आपको रिटेन रखना, आप कहीं चले ना जाओ, आप कहीं इनको छोड़ के ना चले जाओ. लवर्स जेमिनी एनर्जी है, आपसे बातें करना इनको बहुत पसंद है. ठीक है, स्पेशली इनको 18 प्लस थॉट्स भी आती है आपके लिए. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप ये चाहते हैं आपके साथ. और समहाउ आई कैन सी कि आप लोगों का रिलेशनशिप भी यू बहुत मिरर ईच अदर, मिरर सोल्स हो सकते हो आप, ट्विन फ्लेम हो सकते हो. सो इफ़ यू रियली वांट टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन, अगर आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो पाइल नंबर वन, अपने ऊपर फोकस करो.
ठीक है, लव योर सेल्फ। जितना आप खुद से प्यार करोगे, जितना आप खुद पे फोकस रखोगे, उतना ये इंसान आपकी तरफ मज़ीद करीब आएगा और इसके रास्ते भी क्लियर डिवाइन की तरफ से होंगे, यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो लेट मी क्लैरिफाई कि इनकी जोडियक साइन क्या है। वर्को हो सकते हैं ये, या दिसंबर बॉर्न 12 तारीख। अगेन वर्को सेकंड डेट हो सकती है, बर्थ डेट, या इनकी फेब्रुअरी बर्थ हो सकता है। पाइसेस 3 नंबर, मार्च का महीना, पाइसेस। लीब्रा 2 तारीख, फेब्रुअरी। सैजिटेरियस 8 तारीख, अगस्त। अगेन पाइसेस 7 नंबर, जुलाई। सैजिटेरियस मार्च का महीना, 3 तारीख। ठीक हो गया, आगे चलते हैं, कुछ इनके बारे में डिटेल्स और देख लें कि कौन है आखिर जो आपके से पीछे पड़े हैं, शादी करना चाहते हैं। ओके, अक्टूबर गाइस बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, अक्टूबर का महीना। फास्ट फूड इनको बहुत पसंद है, या हो सकता है खाना बहुत जल्दी खाते हैं। इनको ज्वेलरी वगैरह पसंद है पहनना, चेन, टॉप्स। यूएसए की यहाँ वाइब है, कैन यू प्लीज़ टेक द नेबरिंग कंट्रीज एज वेल। ओके, अगर यूएसए है तो प्लीज़ टेक द मैक्सिको। उसके कौन से नेबर था यूएसए के, मैक्सिको है और कैनेडा है। ठीक है, रिंग्स, अंगूठियाँ पहनना पसंद है। एंड लॉयर, मैन बन, इनके बाल लंबे हो सकते हैं, हो सकता है बांधती हूँ, सबके लिए नहीं, लेकिन ड्राइवर या पायलट। हेल्प, इन्होंने आपकी हेल्प की थी कभी, या आप करोगे। ASCETK के इनिशियल्स। हॉलीडे टाइम, तो आप दोनों हॉलीडे टाइम बहुत स्पेंड करोगे एक दूसरे के साथ। सितंबर का महीना इम्पोर्टेंट है यहाँ। एंड व्हाट एल्स, इंजीनियर 7, 13, 14, 25 डेट्स। गवर्नमेंट जॉब के हो सकते हैं ये, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, डॉक्टर, वेरी रिच। एरोप्लेन की कोई वाइब है, पायलट शायलट शायद। मई का महीना, ये आपके हेयर से अपसेस होंगे, बालों से, और हमको बार बार उनमें हाथ फेरना इनको पसंद है। गुड न्यूज़ इज़ कमिंग। कज़न हो सकते हैं किसी एक के केस में। पाइसिस या कैंसर, पाइसिस की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। पहलवान सेम फील्ड, ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद है इनको, महंगे महंगे। यूट्यूबर एंड ब्लैक कार, ठीक है। आई नेम इनिशियल्स देख लें इनके, हु इज दिस बनी, बनी। ओके, नेम इनिशियल्स में सबसे पहले जी, वी, सी, दो है आई, वाई, बी, एक्स, क्यू, डी, एच, ए, डब्ल्यू, ओ, एस, अगेन एस,
पी. ओके, दिस इज़ योर रीडिंग माई गाइज. आई होप दैट यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब टू नेवर मिस अपकमिंग रीडिंग. एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. मी साइनिंग आउट. चाओ. हेलो लव, फाइल नंबर टू. ये वाले आपकी बर्थडे से आई देखते हैं. हु वॉन्ट्स टू मैरी यू, कौन आपसे शादी करना चाहता है. सो लेट्स चेक आउट हु वॉन्ट्स टू मैरी यू, हु इज़ क्रेजी फॉर यू. किंग ऑफ अर्थ. वाओ, किंग ऑफ अर्थ. वाओ, किंग ऑफ एयर. यूनिटी. Seven of water. Chariot. Queen of water and emperor. Pile two. बाप रे, बड़े लकी हो आप. वैसे जो मैं डिटेल आपको बताने वाली हूँ, आपकी करंट एनर्जी अगर ना हुई तो दिस इज़ इमीडिएट फ्यूचर एनर्जी. ओके, बिकॉज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई है यहाँ. गाइस, ये है कोई इंसान, एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपसे शादी करना चाहते हैं. ठीक है, और वाह भी बड़ी यहाँ सिंड्रेला टाइप हो. अच्छे चले. चीज़ ये है कि किंग ऑफ अर्थ एंड किंग ऑफ एयर आई कैन सी, और एम्परर भी है. ये दो तीन लोग हैं जो एटलीस्ट आपसे शादी करना चाहते हैं. एंड इवन इफ दे इज़ नोबडी, तो आप ये मत सोचना कि ये क्या डिटेल है या क्या सिचुएशन है. मुझे तो कोई किसी ने कहा नहीं कभी शादी का. दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी. ओके, सम हाउ आप में से कुछ लोग यू आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप. यूनिटी कार्ड है विद दिस पर्सन, तो ऑब्वियसली इंसान तो चाहता ही है आपसे शादी करना. ठीक है, लेकिन स्टिल सेवन ऑफ वाटर, यहाँ पे अगेन वाइड चॉइस होने की इंडिकेशन है. ठीक है, मतलब मोर देन वन चॉइसेस, और दिस विल बी अ कॉम्प्लेक्स डिसीजन टू सेलेक्ट वन पर्सन. ठीक है, आपको काफ़ी छांट करनी पड़ेगी, काफ़ी छानबीन करनी पड़ेगी किससे शादी करनी चाहिए. बिकॉज क्वीन ऑफ वाटर, आप में से वो तमाम लड़कियां और लड़के हु आर डूइंग सेल्फ लव, जो सेल्फ लव कर रहे हैं, हु आर लविंग देयर ओन सेल्फ. ये चीज़ आई वांट टू से कि ये चीज़ ने आपको सब में मशहूर किया है. मतलब वेन एवर यू लव योर सेल्फ, आप एक साइंस भी इस चीज़ को अब तो खैर प्रूव कर चुकी हुई है कि जो भी आप सेल्फ लव करते हो तो एक ख़ास किस्म का केमिकल होता है रिलीज़ होता है. ठीक है, अभी मेरे को पता नहीं डोपामिन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं एग्जैक्ट मुझे हार्मोन का नाम नहीं याद आ रहा. तो वो रिलीज़ होता है देखने वाले के माइंड में. ये केमिकल, ये हार्मोन रिलेटेड होता है किसी भी चीज़ लाइकिंग में. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई पिज्ज़ा पसंद है, आपको बर्गर पसंद है, अपना फेवरेट फूड जब भी आप देखते हो, ठीक है, आपके माइंड में वो केमिकल रिलीज़ होता है, तभी आप भाग के जाके ऑर्डर करते हो या जो मर्ज़ी हो आप पकाते हो उसको बनाते हो. ठीक है, आप अपना मन पसंद फेवरेट सेलेब्रिटी देखो, आपके माइंड में वो केमिकल रिलीज़ होता है. ठीक है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी पसंद की कोई एक्टिविटी करते हो, आपके माइंड में वो केमिकल रिलीज़ होता है. उस केमिकल की इतनी पावर होती है इंसान के ऊपर कि इंसान रेजिस्ट नहीं कर सकता उसको. ठीक है, तो बात ये आती है कि जब आप सेल्फ लव करते हो तो आपको जो देखने वाले तमाम लोग हैं उनके माइंड में वो केमिकल रिलीज़ होने लग जाता है. ठीक है, इसलिए फिर वो आपसे मोहब्बत करने लगते हैं और वो आपके बिना नहीं रह सकते. फिर वो आपको बार बार देखते हैं, फिर आपको बार बार कॉल करते हैं. ठीक है, और अगर आप किसी और को ये मोहब्बत देते हो, साइंस समझ लेना, ये साइंस साइंटिफिकली प्रूवन है चीज़,
अगर आप वो मोहब्बत किसी और को देते हो, अपनी सेल्फ लव नहीं करते, तो वो लव एनर्जी उसमें चली जाती है। फिर उसको देखकर आप में अंदर केमिकल रिलीज होने लग जाता है, फिर आप उसके पीछे पागल होते हो, और वो आग परवाह नहीं करता, उसके अंदर तो वो केमिकल है नहीं। कभी आपने सेलिब्रिटीज़ को देखा, किससे दुनिया पागल होती है उनके पीछे? ये है फॉर्मूला, ये करते हैं वो। अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को देख के पागल होते हो कि नहीं? आपके ब्रेन में बेटा वो केमिकल रिलीज हो रहा होता है। इसलिए कहते हैं सेल्फ लव करो, सेल्फ लव करो, ताकि दुनिया आपके पीछे भी पागल हो, ना कि आप लोगों के पीछे पागल हो। कितना बड़ा आपको फॉर्मूला बताया आज मैंने, नहीं था ना पता आपको वहाँ से पहले? चलो एनीवेज, ये इंसान आई थिंक जो भी लड़के, हम पॉइंट ये था कि यहाँ पे सेल्फ लव कर रही हैं, ठीक है, लड़के जो भी सेल्फ लव कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको बहुत सारे लोग पसंद करेंगे, बहुत सारे लोग आपके पीछे आएंगे, ठीक है। और आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा सिलेक्ट करना एक बंदे को, ठीक है। तो ये इंसान एक टेम्परर एनर्जी में है, डेफिनेटली वॉन्ट्स टू लव यू फॉर हु एवर यू आर, राइट। एंड चैरिट कार्ड है, ये इंसान आपको अपने साथ लेके जाना चाहता है। ये भी हो सकता है कि इंसान किसी और सिटी या कंट्री से भी इवन हो, ठीक है। तो ये इंसान एक एक या पे एक मूवमेंट का भी कार्ड है। ये भी हो सकता है किसी एक से आपको एक्सपेक्टेशन थी, कोई रिलेशनशिप है, लेकिन उन्होंने आपके लिए कोई ना एक्शन नहीं लिया है, बट नाउ नाउ ही रियली वॉन्ट्स टू कम फॉरवर्ड, और आपके लिए ये एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वाटर इतनी आप उनको प्यारी लगती हैं, इतनी लविंग, इतनी सॉफ्ट, टेंडर, नाजुक सी परी सी लगती हो, कि वो अब नहीं रह सकते आपके बिना। देखो ना, चैरिट और क्वीन ऑफ वाटर का इकट्ठा आना और एम्परर के बीच में आना, एम्परर यहाँ पर, मतलब ये रियली जो आर सैंडविच बिटवीन हिज बहुत पावरफुल पर्सनालिटी और एक एक्शन सही किस्म का, यू यू कॉन्ट मूव अवे। ये इंसान आपको कभी कहीं जाने देगा है ही नहीं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इंसान आपसे बड़ा है एज में बड़ा है, या एटलीस्ट मेंटल लेवल तो बहुत इसका हाई है, काफ़ी प्रोफेशनल है ये, माइंड बिजनेस माइंडेड है, मनी मेकर है, और यस आई विल से दिस इज़ अ मनी मेकर, क्योंकि अपने माइंड से पैसा बनाते हैं ये, बगैर ही डज हैव अ वेरी गुड ब्रेन, ही डज हैव अ वेरी गुड ब्रेन। थ्री ऑफ वाटर गाइस, ये इंसान डेफिनेटली आपको शादी के लिए प्रपोजल भेजने वाला है, ठीक है। और आई थिंक समहाउ काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, आप लोगों की शादी होगी भी यहाँ पर, आप लोग यस कर देंगे, आपकी फैमिली, आप लोग, ठीक है। एस ऑफ वाटर, आई कैन सी दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग, यह आपकी जिंदगी, एक नई जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी इस पर्सन के साथ। या यहाँ पर ये भी इंडिकेशन हो सकता है कि आप रिसेंटली ये पर्सन ने आपको देखा है और इसके दिल में आपके लिए जज्बात जागे हैं, ठीक है। ये इंसान आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, जहाँ मतलब जाते हो ना करियर के लिए, ठीक है। और दिस इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी गाइस, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड कि सबके साथ सारी इंफॉर्मेशन रेजोनेट नहीं होती, ठीक है। जनरल रीडिंग्स हैं ये, आप लोग देखो एक पाइल में हज़ारों लोग होते हैं, कैसे सबसे रेजोनेट हो सकती है चीज़, ठीक है ना। फिर भी आई ट्राई टू कवर एवरी एस्पेक्ट, क्योंकि मुझे पता है किस किस वॉक्स के लोग हैं यहाँ पर, कहाँ कहाँ, मतलब क्या क्या आप लोगों का पॉसिबल हो सकती है रिलेशनशिप स्टेटस, तो आई ट्राई टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स, ताकि सबको उनकी अकॉर्डिंग डोज मिल सके। रिन्यूअल आ रहा है रिश्ते में, ये भी हो सकता है कि ये पर्सन मूव ऑन कर गया था आपसे, नाउ ही इज़ कमिंग बैक, या आपकी लव लाइफ ख़त्म हो चुकी हुई है बिल्कुल, एंड पे ज़ीरो, नो बडी इज़ देयर, और अब आपकी ज़िंदगी में एक नया पैशन ये इंसान लेके आ रहा है, रिन्यूअल आ रही है आपकी लव लाइफ में। हर्मिट है ये पर्सन, इतना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं है,
या ये किसी टीचिंग के डिपार्टमेंट से है, या आप स्कूल कॉलेज जहाँ जाते हो वहाँ है। लेकिन ये इंसान ज़्यादातर खामोशी में वक्त गुजारना पसंद करता है, इतने ज़्यादा बोलता नहीं है ये। आई कैन सी एन ओल्ड सोल हेयर, इनकी सोल काफ़ी पुरानी है, इतना ज़्यादा ये लेटेस्ट माइंडेड नहीं है। इवन ही इज़ लेटेस्ट माइंडेड, लेकिन स्टिल ही सोल इज़ सो ओल्ड, काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर इसकी है सोल, और ये थोड़ा ट्रेडिशनल भी हो सकता है पर्सन, ठीक है। लेकिन ये आपके ऊपर नहीं इम्पोज करेगी अपने करेगा अपना ट्रेडिशनल पान। अगर आप मॉडर्न हैं, ही विल से ओके, दैट्स योर चॉइस। बट ये पर्सन काफ़ी आपके लिए सीरियस तो है, ठीक है। ईगो अकड़ू अकड़ू है ये थोड़े से, ठीक है। क्वीन ऑफ फायर, वाओ गाइस, आप जितने मर्जी अकड़ू हो लें, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, आपके जो इंटेलिजेंस लेवल है ना, उसको इंसान कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। मतलब सब कुछ होंगे, अकड़ू होंगे, चुप चुपीते हैं। आई थिंक इनको थोड़ा अलोन टाइम भी चाहिए होता है, प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। कभी कभी नहीं बात करते, चुप बैठे रहते हैं, जो मर्जी इनकी सिचुएशन हो जाए। लेकिन आप क्वीन ऑफ फायर हो, आप नहीं स्पेयर करोगे, आप इनके अंदर वो आग जगाने की शक्ति रखती हो, क्षमता रखती हो, कि वो नहीं रेजिस्ट कर पाते आपका ना। किंग ऑफ फायर कपल आ गया है, ता दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कपल, किंग एंड क्वीन ऑफ फायर। एक तो दोनों ही गुड लुकिंग होते हैं, दोनों ही की सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत इंतहा की, कमाल की सेक्सुअल केमिस्ट्री होती है किंग और क्वीन ऑफ फायर दोनों इकट्ठों की ना। तो आपके कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, और एक्टिव होते हो आप दोनों बेड पर काफ़ी अपनी रोमांटिक लाइफ में। ऐसा नहीं होता आप दोनों के बीच में कि शादी के कुछ महीने के बाद ख़त्म हो गया सारा रिलेशनशिप, और सारा जील ख़त्म हो गया, सारा पैशन ख़त्म हो गया। आप जी एक दूसरे को बैठ के बुराइयाँ कर रहे हैं दूसरों के साथ मिल के। नो, आप लोगों की लव लाइफ काफ़ी लॉन्ग लाइफ है लव की, ठीक है। तो सिक्स ऑफ फायर, ये पर्सन लाइफ में काफ़ी विक्टोरियस है, ये बात याद रखना, ठीक है। और ये भी हो सकता है कोई पब्लिक रिकग्निशन, फेमस फेम टाइप की भी कोई चीज़ हो इनके पास। काफ़ी बड़े इंसान हैं, रिच हैं, फेमस हैं, लेकिन इनका दिमाग जो है ना आसमान पे नहीं चढ़ा हुआ, चाहे जो भी है, ठीक है। बैलेंस पर्सनालिटी है। सेकेंडली, डिवाइन टाइम पे आप लोग मिलेंगे, ठीक है। लेकिन डिवाइन टाइम पे बेशक मिलेंगे, लेकिन यूनिवर्स ने आपको नेक्स्ट मैसेज दिया है कि आपने अगर इनको मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो यू कैन, ओके। इनको मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं, आपके पास इतनी देखो स्ट्रेंथ है, इतनी आपके पास रिसोर्सेज हैं, इतनी मतलब एनर्जी है इनकी। अगर आप यू इफ़ यू रियली वांट टू मैनिफेस्ट योर पार्टनर, डेफिनेटली यू कैन, ओके। तो ये इंसान जो है, और क्या चीज़ें हैं इसकी, क्या चाह रहा क्या है आपसे। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि पॉजिटिव रहें, ठीक है, और फेथ रखें कि ऐसा एक कोई है, एग्जिस्ट करता है, और यहाँ प्रेयर्स करें, यही आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगा। हु वॉन्ट्स टू मैरी यू, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। हर्मिट भी था कार्ड पीछे, पलटू। देखो मेरी बात सुनो, आप लोग अंदर रहते हो बंद, अपने दिल को बंद किया हुआ है। अगर कोई आपको अप्रोच करने की कोशिश करता भी है, तो आप उसको झटक देते हो, डांट देते हो, ठीक है। डोंट डू दिस थिंग, डोंट क्लोज योर हार्ट फॉर अदर्स, ठीक है। उनको आने दें अपने पास, अपने आप को एक और चांस दें, अपने आप को पॉजिटिव रखें। यूनिवर्स आपको ब्लेस करना चाहता है एक नए पार्टनर से, ओके। ये चीज़ आपकी एनर्जी ब्लॉक कर देगी। डोंट डू दिस थिंग माई लव। रोमांटिक फीलिंग्स, ये इंसान बहुत रोमांटिक, उनके जहन में थॉट्स आती हैं आपको लेकर, इनकी फीलिंग्स। किसी फ्रेंड्स के थ्रू हो सकता है आप लोग मिलें, तो लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ये भी पॉसिबिलिटी है।
किसी की सपोर्ट मिले। आई थिंक अभी आप लोग सेपरेशन में हो, ठीक है, तो बात नहीं करते हो, ब्लॉक किया है या वट एवर, लेकिन यूनिवर्स आपको साइंस दे रहा है कि दिस इज़ योर पर्सन, ठीक है, दिस इज़ योर पर्सन। हनीमून आप गलत सोच रहे हो उनके बारे में, यहाँ पे है कोई लड़की भाई, स्काई कलर के कपड़े पहने हैं, ग्रे ग्रे स्काई ब्लू। गलत सोच रहे हो आप अपने किसी के बारे में, आप उनके बारे में सोच रहे हो कि ये फ्लर्ट है, ये मुझे धोखा दे देगा, मेरे को छोड़ जाएगा। नो, ऐसा नहीं है डियर, ये इंसान ही आपका ट्रू मेट है और यही आपको आपका हनीमून लाइफ पार्टनर है, ठीक है। इसके साथ ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी गुजरेगी, ट्रस्ट द यूनिवर्स। सो लेट मी सी इज डिटेल्स के ये इस पर्सन की क्या डिटेल्स हैं। सो वी विल स्टार्ट, बिजनेस मैन को बिजनेस करते हैं, UAE, सिबलिंग्स में सबसे बड़े हो सकते हैं ये। पास्ता लवर या कोई भी इटालियन फूड पसंद होगा इनको, ये आपके सोलमेट हैं। पार्टी, किसी पार्टी में हो सकता है मिलें, या आपको पसंद है डांस पार्टी। बड़ी सारी गाड़ी होगी, वैगन टाइप, क्रूज़र टाइप इनके पास। फॉरेन नेशनल भी हो सकते हैं, किड्स बच्चे होंगे आपके इनसे, 5/7/8/21 and 25 इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 3/15/18/23 मोर डेट्स। हीलर हो सकते हैं कोई, या डॉक्टर भी हो सकते हैं यहाँ पे। कार पार्किंग, गवर्नमेंट जॉब, ब्लॉन्ड, आपकी ये बालों से ऑब्सेस्ड हैं ये, उनको काफ़ी पसंद है, उनको हाथ लगाना चाहते हैं। डेटिंग में भी आप डेट कर रहे हो इनको, या मे बी आपको डेट ऑफर करेंगे। जून का मंथ, आर्मी से हो सकते हैं, योर सोलमेट, 1/2/1 गाइस, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, आपकी मिरर सोल है। ब्रोकन हार्ट, मेडिकल फील्ड, टैंड स्किन कलर, मस्कुलर बॉडी, इंजीनियर, अगेन आर्मी, आर्मी के दो आ चुके हैं अभी तक, डॉक्टर, ड्राइवर या पायलट, कलर्ड आईज, रॉन्ग नंबर पे मिले थे आप लोग, स्मार्ट, ठीक है। सो लेट्स चेक आउट हिज जोडियक साइंस, कौन सा जोडियक साइन इनका हो सकता है पॉसिबल। 3 तारीख और ये है कैप्रिकॉर्न, मार्च भी हो सकता है 3 तारीख से। लिब्रा, अगेन 3 तारीख या मार्च। स्कॉर्पियो, 12 या दिसंबर। अक्टूबर टॉरस, कैप्रिकॉर्न, 3 तारीख बहुत आ रही है अभी मार्च, क्या बात है। ओके, लियो 11 नंबर, नवंबर। एरीज एंड 7 नंबर, 7 is July आई थिंक, या कैप्रिकॉर्न एनर्जी बहुत है भाई, 9 नंबर सितंबर। ओके, नेम इनिशियल्स रह गए हैं, लेट्स सी। ओके, ये खुद ही आए हैं, GNR, वी, रवि करके मुझे कुछ लग रहा है, वाई एंड डी,
वी दोबारा से आया है, एन टी पी एस एच आई जे डब्ल्यू ए एम फाइनल है बी, ठीक है। तो दिस इज़ योर पर्सन। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखना जब तक, टेक केयर, बाय बाय।